हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को शनिदेव महाराज के दर्शन करवाने वाली हूँ। देख लीजिए आप, ये जो ये मंदिर है उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के बैजनाथ महाकाल में स्थित है। यहाँ पे हर साल इस अगस्त के महीने में लोग बहुत दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। ये हमारे लोकल लैंग्वेज में काला महीना बोलते हैं। काला महीना मतलब अगस्त का महीना, ऐसे उसको नर महीना बोलते हैं। ये मुझे नहीं पता, पर जैसे दादी वगैरह बोलते थे तो सुना था, पर मुझे मतलब नहीं पता। और ये देखिए, महाकाल के जो मंदिर है शनिदेव का, वो ऐसा है, या शनिदेव का मंदिर नया बनाया गया है इसको। और यहाँ पे शनिदेव का मतलब तिल मा तेल, और ये तो 80-90 के दशक से चालू है यहाँ पे चढ़ना, मान्यता है लोगों की यहाँ बहुत पहले से ही है। और शनिदेव की मूर्ति तो थोड़े साल पहले यहाँ पे बनाई गई है, उससे पहले शनिदेव का यहाँ पे मंदिर नहीं था। यहाँ पे सिर्फ शिव जी और दुर्गा माता का मंदिर ही था, और बाद में फिर यहाँ पे शनिदेव का मंदिर बनाया गया लोगों की श्रद्धा को देखते हुए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मंदिर बनाया गया, शनिदेव जी की मूर्ति लाई गई और यहाँ पे स्थापना की गई। शनिदेव मूर्ति के साथ ही आप देख सकते हैं ऊपर हनुमान जी की भी मूर्ति बनाई गई है, मूर्ति ऊपर। और ये शिव जी का मंदिर है, और शिव जी के मंदिर के साथ था ये देखिए दुर्गा माता का मंदिर है, आमने सामने ही है। पहले दुर्गा माता है और नीचे शिव जी भगवान का मंदिर है। तो ये जो इतनी सजावट देख रहे हैं आप, ये शनिदेव के इसी महीने में की जाती है मंदिर की इतनी सजावट, क्यों लोगों को इस महीने में बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे मतलब इस महीने में शनिदेव को क्या महाकाल के मंदिर को पूरा सजाया जाता है, आप देख सकते हैं। हर महीने मतलब अगस्त महीने में कभी 5 अगर जो ऊपर बैनाथ में है शिव मंदिर, उसमें 5 सोमवार होते हैं, तो महाकाल में 4 होते हैं, 4 शनिवार होंगे। और शनिदेव को मतलब तिल चढ़ाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अगर ऊपर 5 होंगे 4 होंगे तो शनिदेव के जो मेले हैं हर शनिवार, वो 5 होंगे, ऐसी मान्यता है। लोग यहाँ पे आके तिल, काले तिल और उड़द दाल और सरसों का तेल यहाँ पे शनिदेव की शिला पे चढ़ाया जाता है। शनिदेव की जो मूर्ति है वहाँ पे सिर्फ दर्शन के लिए रखी गई है। शनिदेव के साइड मंदिर में थोड़ी ही दूर में साइड में शिला रखी गई है शनिदेव जी की, आप देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं शनिदेव की शिला के। और यहाँ पे आके मतलब सरसों का तेल, उड़द दाल और तिल यहाँ पे दान किए जाते हैं मंदिर में, इनको ले जाना बिल्कुल भर देते हैं। तो यहाँ पे शनिवार के दिन यहाँ पे तोला भी किया जाता है, जिसको 6.5 चली हो या शनिदेव से मतलब उनकी ग्रह में कुछ दशा चली हो कुंडली पे, तो यहाँ पे आके उनका तोला भी किया जाता है महाकाल मंदिर में। आप लोगों को बता रही हूँ, अगर किसी को बताया हो शनिदेव के मंदिर में तोला करवाना, तो आप महाकाल में आके तोला करवा सकते हैं। और देखिए, अभी नॉर्मल जैसे हर महीने का शनिवार होता है, तो शनिदेव के मंदिर को ऐसे नॉर्मल सजाया जाता है, ऐसे ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की जाती। देखिए, नॉर्मल सजाया हुआ है। और पर जब हर महीने का, साल में एक बार जब शनिदेव का ये काला महीना शुरू होता है, तो बहुत सजाया जाता है पूरा मंदिर। और ऐसे मान्यता है कि ये जो शनिदेव के मंदिर में पिलर बनाए गए हैं, ये 12 राशियों के पिलर हैं, सब राशियों के पिलर, एक एक पिलर बनाया हुआ है शनिदेव के मंदिर के चारों तरफ। और ये पिलर जो हैं, इनमें आप देख सकते हैं सब में धागे बंधे हुए हैं, लाल कलर के, पीले कलर के, जो भी हैं सब में धागे बंधे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जिसकी नाम की राशि है, कुंडली की राशि है, वो यहाँ पे अपनी राशि के पिलर पे धागा बांध दे, उससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उसकी राशि पे वो मतलब ज़्यादा दृष्टि नहीं डालते हैं। आप लोगों को पता ही है कि शनिदेव को जो दृष्टि है वो कोई नहीं ये करना चाहता। शनिदेव की जो दृष्टि अपने पिता पे पड़ी थी, तो उनको ग्रहण लग गया था। और
तो इसलिए इन लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ हर साल आते हैं शनिदेव के दर्शन के लिए। इस साल तो कोरोना काल है इसलिए नहीं आ पाएगा कोई, तो मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई, आप लोग यहीं से शनिदेव के दर्शन कर लीजिएगा मंदिर के, जिन्होंने कर लिए हैं पहले से जो आए हैं उनको तो पता है, पर अभी कोरोना काल चला हुआ है तो आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए। और अभी शनिदेव को, शनिदेव महाराज को सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है ये मैं आपको अभी थोड़ा सा बताती हूँ। एक बार हनुमान जी पूजा, सॉरी हनुमान जी राम के तप में विलीन होते हैं, उनका ध्यान कर रहे होते हैं हनुमान जी, तो शनिदेव वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं हे हनुमान अब मैं तुम्हारी राशि में आने वाला हूँ, साढ़े सती तुम्हारी साढ़े सती शुरू होने वाली है। तो हनुमान जी उनकी बात का ध्यान नहीं देते हैं, क्यों, वो तो राम भजन में बिल्कुल लीन थे, तो उन्होंने शनिदेव की कोई भी बात का जवाब नहीं दिया ना ही उनकी बात। तो शनिदेव जी उनको बताते हैं कि मैं साढ़े से ढाई वर्षीय मनुष्य के मस्तिष्क में विराजमान होता हूँ, वहाँ पे उसकी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट करता हूँ, अच्छा क्या है बुरा क्या है, और ढाई वर्ष में मनुष्य के शरीर के मध्य में रहता हूँ, उसको रोगों से ग्रस्त करता हूँ, और ढाई वर्ष में मनुष्य के पाँव में रहता हूँ, न वहाँ उसको बुराई की तरफ धकेलता हूँ और उसको बुरे कामों की तरफ उकसाता हूँ, ऐसा बोल के इतना बोला शनिदेव ने, फिर भी हनुमान जी आज उनकी बात को अनसुना कर दिया, तो शनिदेव क्रोधित होकर हनुमान जी के सर पे विराजमान हो गए। जब शनिदेव हनुमान जी के सर पे विराजमान हुए तो हनुमान को खुजली होने लगी सर पे, तो उन्होंने जय श्री राम बोल के अपनी गदा से शनिदेव के ऊपर प्रहार कर दिया। जब शनिदेव को चोट लगी तो वो वहाँ से उठ के शनिदेव हनुमान जी के कमर में आके बैठ के पेट में, तो उन्होंने फिर जय श्री राम बोल के अपनी गदा से शनिदेव के ऊपर प्रहार किया। शनिदेव जी को फिर चोट लगी, वो हनुमान जी के पाँव में आके बैठ गए, फिर हनुमान जी ने फिर जय श्री राम बोल के फिर अपनी गदा से शनिदेव के ऊपर प्रहार किया, तो शनिदेव फिर चोट खा के साइड में आ गए और हनुमान को बोला हनुमान मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है, मुझे इसे राहत दिलवाओ। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं तुम्हें इस दर पीड़ा से मुक्त करूँगा, पर तुम्हें पहले मुझे वचन देना होगा कि जिस जो भक्त मेरी बहुत भक्ति करता हो, मेरी भक्ति में लीन रहता हो, और जिस कुंडली का मैं स्वामी हूँ उस कुंडली के लोगों को, जो मेरे भक्त हैं उनको तू कभी परेशान नहीं करेगा, तब जाके मैं तुझे इस पीड़ा से मुक्त करूँगा। तो शनिदेव जी तैयार हो गए और बोला ठीक है ठीक है, जो तुम्हारे भक्त हनुमान और तुम्हारे जिस कुंडली के तुम स्वामी हो मैं उन भक्तों को, तुम्हारे भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करूँगा। तो ये बोल के हनुमान जी ने शनिदेव को सरसों का तेल दिया, तो तेल से नहाने के बाद, तेल लगाने के बाद शनिदेव जी को पीड़ा से मुक्ति मिली, तो इसलिए शनिदेव को सरसों के तेल से नहलाया जाता है। तो इसलिए हनुमान जी ने जो हनुमान जी के भक्त हैं ना शनिदेव, उनके भक्तों को कभी भी अपनी वो दृष्टि नहीं डालते हैं, उनको हमेशा उनसे दूर रहता है उस राशि वालों से, और राशि में जो हनुमान जी हैं और जो हनुमान जी के भक्त हैं उनसे हमेशा दूर रहते हैं। और शनिदेव महाराज शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो ये भी एक बात है कि महाकाल मंदिर में शिव जी के साथ शनिदेव का मंदिर है, गुरु शिष्य विराजमान हैं शनिदेव जी, और शनिदेव एक न्यायप्रिय देवता भी हैं और नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं शनिदेव, और उनको पूरी दुनिया का दंडनायक और न्यायप्रिय बनाया गया है शनिदेव जी को। ऐसे तो शनिदेव को बोलते हैं कि ये मतलब क्रू ग्रह है, मतलब बुरा ग्रह है, पर मतलब ये जितने ही अच्छे भी हैं शनिदेव महाराज, शनिदेव जी को प्रसन्न करना है तो सिर्फ तिल का, सरसों का तेल
और काले तिल और उड़द की दाल शनिदेव जी को दान कर दीजिए या शनिदेव जी के नाम का दान कर दीजिए, उसमें ही शनिदेव जी प्रसन्न हो जाएंगे। या नीले रंग का कपड़ा या काले रंग का कपड़ा दान दे दीजिए। ये काला रंग और नीला रंग शनिदेव को बहुत प्रिय है और शनिदेव जी को अपनी माता भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। जो लोग अपनी माता से बहुत प्यार करते हैं शनिदेव उनसे अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। और शनिदेव जिस कुंडली का स्वामी है या जिस कुंडली पर शनिदेव का प्रभाव है उस कुंडली में मतलब उसमें माँ पिता और पुत्र में हमेशा दुश्मनी रहती है, क्यों शनिदेव और सूर्यदेव में हमेशा दुश्मनी ही रही है। आप लोगों ने सीरियल भी देखा होगा जिसमें शनिदेव और उसके पिता सूर्यदेव की कभी नहीं बनती, क्यों सूर्यदेव हमेशा उसकी माता का अपमान करते रहते हैं। इसलिए तो शनिदेव को अपनी माता बहुत प्रिय है। शनिदेव की माया का नाम माता का नाम छाया है और पुत्र शनिदेव के शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। ऐसे जब शनिदेव का जन्म हुआ था उस टाइम सूर्यदेव ने शनि की माता पे छाया पे आरोप लगाया था कि इतना क्रूर पुत्र मेरा नहीं हो सकता है ऐसा ऐसा करके। तो उस टाइम से ही शनिदेव मतलब बचपन से ही जब पैदा हुए थे उस टाइम से ही उन्होंने अपने पिता पे मतलब दृष्टि डाल दी थी अपनी, तो उसी टाइम उनका पूरा शरीर जलने लग पड़ा था ऐसी मान्यता है, ऐसा बोलते हैं। शनिदेव का जन्म ही हुआ है न्याय करने के लिए, लोगों के अच्छे कर्म बुरे कर्म ये सब शनिदेव देखते हैं, उसके बाद ही मृत्यु के बाद जैसे बोलते हैं ना कि हाँ हमने योनि ये योनि भुगती है, जो मनुष्य जानवर की योनि आती है इतने वह 84,000,000,000 योनि भुगतने के बाद मतलब मनुष्य रूप में आते हैं। तो ये सब करता धरता शनिदेव है, अच्छे कर्म करेंगे बुरे कर्म करेंगे ये सब शनिदेव के हाथ में है, ये सब देखते हैं मनुष्य का कौन अच्छे कर्म कर रहा है कौन बुरे कर्म कर रहा है, ये सब शनिदेव के हाथ में है, शनिदेव ही देखते हैं सब कुछ। तो आप लोग अगर मेरा कोई भी वीडियो देख रहे हैं कहीं भी हैं, आप शनिदेव के मंदिर में नहीं आए महाकाल के मंदिर में नहीं आए दर्शन के लिए, तो आप लोग आ सकते हैं वहाँ पे शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, तिल सरसों का तेल और दाल दान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शिव जी की मतलब सॉरी शनिदेव जी की शिला है यहाँ पे लोग आके तेल चढ़ाते हैं जिससे शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों के कष्ट दूर करते हैं, ऐसी बहुत सारी मान्यता है शनिदेव मंदिर। तो आप लोग भी आइए अगस्त के महीने में, खासकर अगस्त के महीने में शनिदेव जी को प्रसन्न कीजिए, उनकी शिला पे तेल चढ़ाइए, शनिदेव की मूर्ति के दर्शन कीजिए और आप लोगों के नाम की जो राशि है उस पिलर पे यहाँ पे आप धागा बांध सकते हैं, उससे भी ऐसे मान्यता है कि शनिदेव उन राशियों पे भी अपनी शांति बनाए रखते हैं, उन राशियों पे कम दृष्टि पड़ती है शनिदेव जी की। ये पिलर जो है शनिदेव के चारों मंदिर के चारों तरफ ये सब 12 राशियों के पिलर 12 पिलर हैं। और अभी जो लोग इस बार तो कोई नहीं आ पाएगा दर्शन के लिए शनिदेव के, अभी क्यों मंदिर सब बंद है आप सबको पता ही है, और तो इस बार आप घर पे बैठ के ही शनिदेव जी के दर्शन कर लीजिए, शनिदेव के मंदिर देख लीजिए, उनका दर्शन कर लीजिए। इस बार तो होगा नहीं, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ होती है ऐसे अगस्त के महीने में मंदिर में, और देखिए और कितनी भीड़ है, मतलब जो मेन गेट है मेन रोड है उधर साइड में है जो जहाँ से लाइन दिख रही है वहाँ से लेके मंदिर तक देखिए कभी कभी डबल ट्रिपल लाइन हो जाती है। और एक साल तो ऐसा था उस टाइम शायद रात को 12-1 बजे तक मतलब लाइन पे लगे रहे लोग, उस टाइम शायद लास्ट शनिवार था तो रात को 12-1 बजे तक लोग खड़े रहे लाइन में शनिदेव जी को दर्शन करने के लिए, उनके शिला पे तेल चढ़ाने के लिए। सुबह से भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है यहाँ पे, 3-4 बजे से लोग आना जाना शुरू कर देते हैं
शनिदेव, इस महीने में शनिदेव को तेल चढ़ाना बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे। तो हर हफ्ते के शनिवार को लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, तिल माँ तेल चढ़ाते हैं और यहाँ पे भंडारा लगता है हर शनिवार को। मंदिर के साइड में ही है बचत भवन, वहाँ पे हर शनिवार को भंडारा लगता है। और जब अगस्त महीना शुरू होता है तो उसमें तो लगता ही लगता है, पर वहाँ पे फिर भी लोग दर्शन के लिए आते हैं, अपना दान देते हैं और इतनी दूर से आते हैं लोग यहाँ पे। मान्यता बहुत ज़्यादा है शनिदेव मंदिर की यहाँ पे। और ऐसी मान्यता कि उज्जैन के बाद जो ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है वो महाकाल में ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो अभी आप लोगों को मैंने इतनी जानकारी दे दी है शनिदेव महाराज की, ये मंदिर कहाँ पे है ये भी आपको बता दिया है। तो इस साल तो नहीं हो पाएगा, अगले साल ज़रूर आइएगा आप शनिदेव के मंदिर में कभी भी। ये अगस्त में नहीं आ सकते हैं तो आप जब भी आपका दिल करे या जब भी आपको टाइम लगे आप आइए, दर्शन कीजिए, शनिदेव जी को प्रसन्न कीजिए और महाकाल मंदिर दर्शन कीजिए। बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है साथ में। और अभी तो अगस्त महीना चल रहा है पर इस बार नहीं हो पाएगा, अगली बार ज़रूर आइएगा। खासकर अगर शनिदेव को ज़्यादा पसंद करना है तो अगस्त के महीने में ज़रूर आइएगा। और जो यहाँ पे सजावट की जाती है फूलों से शनिदेव के मंदिर की, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। एक बार अगर आप देख लेंगे, एक बार आप आ गए तो आपका हर बार आने का दिल ज़रूर करेगा कि हम जाएंगे वहाँ पे दर्शन करेंगे शनिदेव जी की। आप देख सकते हैं, आप खुद देख लीजिए कि कितना अच्छा सुंदर सजाया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। शाम के टाइम तो जब लाइट थोड़ी डिम होती है तो और भी ज़्यादा बहुत सुंदर लगता है मंदिर। मतलब शनिदेव जी की मूर्ति देख लीजिए आप, मूर्ति बहुत अच्छी लगती है देखने में। और जो मंदिर की जो सजावट की गई है वो भी बहुत अच्छी है, आप खुद ही देख लीजिए। इस बार तो कोई मंदिर तो बिल्कुल ही बंद है, अगली बार ऐसी सजावट फिर होगी तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तो चलिए अभी मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, अभी मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें औरों के साथ भी, ताकि शनिदेव महाराज की जो मंदिर है वो औरों को भी इसके बारे में पता चले और वो यहाँ पे आएं, शनिदेव जी के दर्शन करें, उन्हें प्रसन्न करें। मंदिर बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, एक बार आप लोग आ गए तो हर साल ज़रूर आएंगे। तो चलिए अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद करके। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और जय शनिदेव।